ये इंपॉर्टेंट है, जो यूनियंस जो छोटे छोटे ग्रुपिंग्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट, कस्टम यूनियन, दिस इज अ फ्री ट्रेड एरिया प्लस एन एग्रीमेंट टू एस्टैब्लिश कॉमन बैरियर्स टू ट्रेड विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। वो कह रहे हैं ये एक फ्री ट्रेड एरिया है प्लस एक एग्रीमेंट है, क्या किया जाएगा, एक कॉमन बैरियर लगाया जाएगा आपकी मेंबर कंट्री के अलावा जितनी भी और है उनके साथ। दिस मीन्स दैट मेंबर्स नीड नीदर कस्टम कंट्रोल ऑन गुड्स मूव नॉर रूल्स ऑफ ओरिजिन बिकॉज दे हैव अ कॉमन टैरिफ एंड कोटा अगेंस्ट द आउटसाइड। कह रहे इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी मेंबर कंट्रीज हैं ना वहाँ कस्टम कंट्रोल की जरूरत है ना उनको किसी तरीके ओरिजिन की जरूरत है, क्योंकि इसमें क्या दिया हुआ है, एक कॉमन टैरिफ दिया हुआ है और कोटा दिया हुआ है सारे के सारे देशों के लिए। कस्टम यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इन विच बाय कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ टीईटी शेड्यूल टू इंपोर्ट्स फ्रॉम नॉन मेंबर, ठीक है, कि जितने भी नॉन मेंबर्स है उनसे एक मतलब एक तरीका का यूनियन बनाया गया कि उनसे किस तरीके का टैरिफ लेना चाहिए। इट रिक्वायर्स मेंबर्स एलिमिनेट ट्रेड बैरियर्स विद ईच अदर, एक इकोनॉमिक इंटीग्रेशन अ स्टेप फर्दर बाय एस्टैब्लिशिंग आर्टिकल बैरियर्स टू ट्रेड अगेंस्ट नॉन मेंबर्स। तो इसमें हमें करना क्या है, इसमें स्टेप लिया गया जिससे कि इट रिक्वायर्स मेंबर्स टू एलिमिनेट ट्रेड बैरियर्स विद ईच अदर एंड टेक इकोनॉमिक इंटीग्रेशन स्टेप फर्दर बाय एस्टैब्लिशिंग आइडेंटिकल बैरियर्स टू ट्रेड अगेंस्ट नॉन मेंबर्स मोस्ट ऑफन इन द कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ। यूरोपियन कम्युनिटी क्रिएटेड अ कॉमन एग्रीकल्चरल पॉलिसी फॉर मेंबर स्टेट्स। The cap was and still characterized by a variable system which limits most agricultural imports from non-member country by applying a common import duty. I hope आपको custom union समझ में आया होगा। यहाँ पे हमने क्या किया, हमने यहाँ पे जितनी भी non-member countries है उनसे import करने के लिए सबके साथ एक common duty। तो अब मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कहाँ से आ रहा है कहाँ से नहीं आ रहा पा रहा, एक common के अलावा जितने भी मतलब जिनके साथ अग्रीमेंट है उसके अलावा जितने भी और कंट्रीज का ट्रेड होगा उनके साथ एक कॉमन इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो इम्पोज कर दी जाएगी, चार्ज कर दी, ठीक है। आगे बात करते हैं कॉमन मार्केट, इट हैज कॉमन सिस्टम ऑफ टैक्सेशन लॉज एंड रेगुलेशंस गवर्निंग प्रोडक्शन एम्प्लॉयमेंट ट्रेड विद एब्सेंस ऑफ स्पेशल ट्रीटमेंट बाय मेंबर गवर्नमेंट्स ऑफ ओन डोमेस्टिक। कॉमन मार्केट इज अ कस्टम्स यूनियन The movement of factors of production is relatively free amongst members. So, यहाँ पे क्या हो गया, पहले हमने गुड्स की बात करी, अब यहाँ पे हम किसकी बात करें, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लाइक लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, जो भी आपके मेंबर कंट्रीज हैं उनमें, मतलब जैसे कि मान लो अगर मेंबर कंट्रीज हो गई तो उन मेंबर कंट्रीज में एक कंट्री से दूसरे पर ले जाना जो होगा वो क्या होगा, उसका प्रोसेस आसान हो जाएगा। जैसे कि कहीं ना कहीं यूएई की अगर हम बात कर सकते हैं, राइट, इट इंक्लूड्स ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ अ कस्टम्स यूनियन but takes integration further by permitting the free movement of goods and services, labor and capital among member nations. In January 1990, the EU moved closer to full common market status by implementing the European Act, which consists of provisions to remove some or all tariff and non-tariff barriers to trade in goods and services and capital. So, कह रहे कि EU ने क्या किया 1990 के अंदर, इसी तरीके से एक स्टेटस तैयार किया कॉमन मार्केट का। आज यूरोप में अप्रोक्सीमेटली 44 कंट्रीज हैं और इन पूरी की पूरी 44 में आप कहीं जा सकते हैं, रह सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, आप कहीं पार्ट में जाके रह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट है इकोनॉमिक यूनियन, इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन कंट्रीज दैट इन्वॉल्व्स नॉट ओनली फ्री ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फ्री मोबिलिटी ऑफ लेबर as well as capital within member countries. तो कह रहे हैं कि ये वाला जो agreement है इसमें हमें देखना है और सिर्फ मतलब goods and services के बारे में नहीं है, ये free mobility of labor as well as capital within member countries, जो भी अभी हमने पढ़ा, mainly external tariffs but also some degree of unification as well as fiscal policies. The creation of a common currency is essential to common economic union. Thus economic union is a deeper form of economic integration. European Union has adopted uniform policies of providing agricultural subsidies to their farmers to protect them from cheaper imports from developing countries and the United States. वो कह रहे हैं कि देखो इसके अंदर हमने जैसे हमने बात करी कि European Union है वो बहुत बड़ा economic union है, क्योंकि पूरे European Union जो है उसमें आप कहीं भी घूम सकते हैं और आप ये भी चेक करो कि पूरे यूरोप में मेजरली जो वो क्या है, बिल्कुल सेम। तो वो कह रहे हैं ये चीज क्यों की गई, ये चीज की गई तो जो इम्पोर्ट्स है उनको कंपेटिवली बनाया जा सके किससे, ताकि डेवलपिंग कंट्रीज से और जो यूनाइटेड स्टेट से आ रहा है।
An economic union is a common market where member countries coordinate macroeconomic standard policies. It represents the most complete form of economic integration. Here, member nations' social taxation, fiscal and monetary policies are harmonized or unified. Belgium and Luxembourg formed an economic union in the 20s. The EU had adopted regulations creating a full economic union with common banking laws, coordinate macroeconomic policy and a EU currency by the year 2000. तो आज हम देख सकते हैं कि पूरे यूरोपियन यूनियन एक ही जो बैंकिंग लॉज है, एक ही तरीके जो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज है लाइक इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह को लेकर के वो एक जैसी रहती है, राइट। नेक्स्ट में क्या दे रखा है, मॉनेटरी यूनियंस। तो अ मॉनेटरी यूनियन में बी डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ टू और मोर स्टेट्स शेयरिंग अ नॉन करेंसी और इक्विवेलेंट। ओके, ऑल्दो सम सोर्सेज एक्सटेंड द डेफिनेशन ऑफ द मॉनेटरी स्कीम्स of national federations, the conventional practice is to limit the term to among units that are recognized as sovereign states under law. Okay, the thesis of a monetary one is a national currency with an independent bank and a floating exchange. Okay, ki jo monetary unions ka jo main matlab jo gist hai wo kya hai ki aapke paas ek hi currency honi chahiye, एक इंडिपेंडेंट सेंट्रल बैंक होना चाहिए और आपका जो एक्सचेंज रेट है फ्लोटिंग होना चाहिए। इट इज द स्ट्रिक्टेस्ट सेंस ऑफ द टर्म मॉनेटरी यूनियन मींस द कंप्लीट एबैंडनमेंट ऑफ सेपरेट नेशनल करेंसीज एंड फुल सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी इन जॉइंट। इन रियलिटी कंसिडरेबल लीवे एग्जिस्ट फॉर वेरिएशंस ऑफ डिजाइन अलोंग टू की डायमेंशंस। दीज डायमेंशन आर इंस्टीट्यूशनल प्रोविजन दैट इज इशू of currency, the management of disease. Currencies may be continued to be used by in governments tied together in an exchange rate union. Alternative replaced not by a joint currency but rather by the money of a larger partner, an arrangement generically labeled dollarization of the United States dollar, money that is most widely used for purpose. Similarly, monetary authority may continue to exercise in some degree individual governments or may be delegated not to a joint institution but rather to a single partner such as the United States. वो कह रहा है कि जब हम इस तरह की यूनियन की बात करते हैं, कह रहा है ये बहुत मुश्किल होता है बनाना, क्योंकि कोई भी कंट्री जो है दूसरी किसी कंट्री के साथ अपना पूरा करेंसी सिस्टम शेयर करे बहुत बड़ी बात है। दूसरा उसका बैंकिंग सिस्टम भी एक होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि अगर इसका थोड़ा एग्जाम्पल जो इन्होंने समझाने के लिए दे रखा है वो क्या है कि यूनाइटेड स्टेट्स, जैसा कि हमने पढ़ा था कि जो ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुआ था 1944 में, वहां 44 कंट्रीज मिल करके इस बात को डिसाइड कर लिया था कि हम क्या करेंगे, हम डॉलर को एक कॉमन करेंसी के तौर पे यूज करेंगे। दैट इज द रीजन आज प्रेजेंटली डॉलर जो है इंटरनेशनल मार्केट को डोमिनेट करता है इन टर्म्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स, कि अगर आप कोई भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो वो किस में होगी, डॉलर में। तो ऐसे पढ़ो, जो लाइव स्टूडेंट डाउट पूछो मेरे को दो मिनट दो बस, चलो। In political terms, monetary unions are divided into two categories depending on whether national monetary sovereignty is shared or surrendered. So in political terms, monetary unions are divided into two categories depending on whether national monetary sovereignty is shared or surrendered. Unions based on a joint currency or an exchange rate union in effect pool monetary authority to some degree. They are a form of partnership or alliance of nominal equals. Unions created by dollarization are more hierarchical, a subordinate follower leadership of regime. So, इस तरीके का सिस्टम ये जो है मॉनेटरी यूनियन बनता है। चलो अच्छा आगे भी है। So, the greatest attraction of a monetary union is that it reduces transaction cost as compared with a collection of international currencies. The single money or equivalent, there is no need for currency conversion or hedging against exchange risk in transactions among partner. आप एक फायदा आपको हो गया कि सेम करेंसी है, तो उस वजह से जो भी आपको फ्यूचर का जो भी एक्सचेंज रेट चेंज होगा उसकी वजह से जो दिक्कत आएगी उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फर्स्ट, इंडिविजुअल पार्टनर्स लूज कंट्रोल ऑफ बोथ द मनी सप्लाई एंड एक्सचेंज रेट एज पॉलिसी
cope with domestic or external disturbances. Okay. Against a monetary union, efficiency gains at the micro governments must compare the cost of sacrificing autonomy of policy with the macroeconomic level. वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जब इस तरह का इंटीग्रेशन, दिक्कत क्या आती है कि आपका जो मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे जो पॉलिसी बनेगा वो कहीं ना कहीं माइक्रो इकोनॉमिक लेवल पे भी आपकी जो गवर्नमेंट है उसको कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेगा. तो एक बात समझो, अगर हम टैक्सेशन की बात करें तो वो एक मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी होती है, लेकिन वो स्टूडेंट्स इंडिविजुअली माइक्रो इकोनॉमिक लेवल पे हर एक बजट को इम्पैक्ट करेगा ना. कि अगर गवर्नमेंट टैक्सेशन रेट को बढ़ा देती है लेट्स से सपोज, तो उसकी वजह से होगा क्या कि जो भी वो स्लैब आया उस स्लैब की वजह से मान लो 10-15% का स्लैब बन गया, तो यार जो भी उस में लाए कर रहे हैं उनको 5% अब टैक्स एक्स्ट्रा देना पड़ेगा. पहले उनको 10% टैक्स देना पड़ रहा था, बट अब कितना 15%. तो ये एक नुकसान हो सकता है, राइट. आगे, सेकंड, इंडिविजुअल पार्टनर्स लूज द कैपेसिटी डिराइव्ड फ्रॉम एन एक्सक्लूसिव नेशनल करेंसी टू ऑगमेंट पब्लिक स्पेंडिंग एट विल बाय मनी क्रिएशन अ प्रिविलेज नोन एज सिनरेज. सिनरेज आप लोगों ने डेफिनेटली सुना होगा स्टूडेंट, जब गवर्नमेंट क्या करती है मनी क्रिएट करती है. अब ये जो क्रिएशन है रुक जाएगा क्योंकि अथॉरिटी वो करेगी. तो टेक्निकली डिफाइंड एज द एक्सेस ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ अ करेंसी ओवर इट्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. आपको समझना क्या है कि अगर टेक्निकली देखा जाए तो क्या है, एक्सेस ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ करेंसी ओवर इट्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब आपकी करेंसी की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है. और दूसरा क्या कह रहा है कि एक्सेस ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ अ करेंसी, ठीक है, मतलब जो भी करेंसी की वैल्यू आ रही है और जो भी उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ रही है, तो नॉमिनल वैल्यू ऑफ करेंसी क्या है ज्यादा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है कम. सिनरेज कैन बी अंडरस्टूड एज एन अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द स्टेट बियॉन्ड व्हाट कैन बी रेज बाय टैक्सेस और बाय बोरोइंग फ्रॉम फाइनेंशियल मार्केट. सिंपल है भाई, गवर्नमेंट के पास सोर्सेज क्या क्या है पैसा लाने के. तो पैसा लाने के सोर्सेज गवर्नमेंट के पास ये कि टैक्सेस कलेक्ट करो. जब टैक्सेस के थ्रू पैसा नहीं बन रहा, मतलब रेवेन्यू रिसीट से इतना पैसा नहीं आया, तो कैपिटल रिसीट्स की मदद दी जाती है, मतलब बोरोइंग की मदद दी जाती है. जब ये दोनों ही सोर्स ढंग से काम नहीं कर पा रहे होते तब क्या किया जाता है, तब एट लास्ट आपके पास ऑप्शन होता है किस चीज का, सिनरेज का. जस्ट अ मोमेंट स्टूडेंट, आगे बात करते हैं. द सीरियसनेस ऑफ दीस टू लूसेस विल डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ मॉनेटरी यूनियन अडॉप्टेड. इन एन अलायंस टाइप यूनियन वेयर अथॉरिटी इज नॉट सरेंडर्ड, power monetary control is delegated to the union joint to be and in some manner effectively managed by all the countries. Each partner's loss is simultaneously also each other's gain. So, वो कह रहे कि देखो होगा क्या, हर एक का जो loss होगा वो दूसरे का क्या होगा, gain होगा. So, dual states may no longer have much latitude to act unilaterally. Each member retains a voice in decision making for the group as a whole. So losses be greater with dollarization, which by definition all monetary entity to the dominant power, some measure of synergy may be gained coordinate partners, but only with the country. So ये सबसे बड़ी problem आ जाती है कि जो synergy के थ्रू आप टैक्स अपना revenue raise कर रहे थे, ठीक है, मैं by printing more currency, वो right आपके पास चला गया क्योंकि आपको जो भी आपकी जो national authority जो आपने commonly decide की होगी उससे बात करना पड़ेगा, उससे डिस्कशन बाद ही आप क्या कर वो बना पाए, राइट. चलो आगे बात करते हैं. नेक्स्ट है रीजनल इंटीग्रेशन एफर्ट्स अमंग कंट्रीज. रीजनल एफर्ट्स हैव बीन ग्रोइंग इन इंपॉर्टेंस इन रीसेंट इयर्स. एक मिनट रुको. ट्रेडिंग ब्लॉक्स अकाउंट फॉर अबाउट 3/4 ऑफ वर्ल्ड ट्रेड by their nature action favors trade amongst member nations and discriminates against non-members. Okay, so trade among members grows at the expense of the rest of the world. बात सीधी सी है क्योंकि आपके पास जो भी favor हुआ हो रहा है वो member country के हो रहा है. तो अगर आप member country के ज़्यादा trade कर रहे हैं जो भी non-member है वो suffer कर रहा है, ठीक है. आगे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, बिकॉज ऑफ द वेग नेचर ऑफ दीज रूल्स नेशंस हैव बीन एबल टू डिस्क्रिमिनेट रेदर फ्रीली अगेंस्ट नॉन-मेंबर्स नेशंस विद लिटिल फियर ऑफ रिटेलिएशन. अब वही बात आ जाती है रिटेलिएशन वाली बात कि अगर आप किसी एक कंट्री के साथ कर रहे हो बाकियों के साथ नहीं कर रहे हो तो रिटेलिएशन वाला जो फेयर है वो आएगा. ट्रेड थ्योरी प्रोवाइड्स ओनली एम्बिगस कंक्लूजन रिगार्डिंग द
ट्रेड ब्लॉक फॉर्मेशन. फ्री ट्रेड इज सर्टेनली मोर एफिशिएंट देन माइनेटरी ट्रेड, बट इन अ वर्ल्ड ऑफ लेस देन फ्री ट्रेड ब्लॉक्स में प्रॉफिट इकोनॉमिक गेन्स अंडर सर्टेन कंडीशन. लॉन्ग टर्म गेन्स सच एज बेस्ड कॉम्पिटिटिव इकोनॉमिक स्केल एंड ग्रेटर इन्वेस्टमेंट फार फ्रॉम शॉर्ट टर्म फ्रॉम ट्रेड क्रिएशन. कंज्यूमर्स ऑफन गेन फ्रॉम ब्लॉक फॉर्मेशन और restrictive trade barriers are allowed and factored. Government and taxpayers bear cost of this gain since tariffs also decline. ठीक है, वही जो टैरिफ डिक्लाइन होते हैं उसकी वजह से दिक्कत है, राइट. चलो नेक्स्ट हमारे पास देखो क्या दे रखा है. प्रेफरेंशियल ट्रेड एरियाज हेल्प इन क्रिएटिंग न्यू, एक मिनट, हेल्प इन क्रिएटिंग अ न्यू मार्केट्स फॉर चीप गुड्स बाय रिड्यूसिंग ट्रेड बैरियर्स एंड गिव लार्ज गेन्स टू द कंट्री. वो कह के प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट्स में क्या होता है, आप एक न्यू मार्केट्स क्रिएट करते हैं जहां पे आपने टैरिफ्स नहीं लिया होता, और क्योंकि टैरिफ्स नहीं होते तो इसकी वजह से फायदा किस चीज का होता है, इसके फायदा ये होता है कि आप अपने ट्रेड बैरियर्स को खत्म कर रहे हो, तो जिससे कि गुड्स सस्ते हो जाएंगे. ओके, आगे क्या लिखा हुआ है, बैरियर्स टू ट्रेड बिटवीन इंडिविजुअल पीटीए मेंबर्स एंड नॉन मेंबर्स कैन वेरी एंड आर डिटरमाइंड बाय ईच मेंबर्स पॉलिसी मेकर. द मेंबर कंट्रीज हैव बीन प्रोलिफरेटिंग स्पेशली सिंस द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. तो वो कह रहे हैं कि इस केस में क्या हुआ कि देखो जो भी मेंबर कंट्रीज है वो कहीं ना कहीं अपना उंगलबाजी करेंगे, कुछ ना कुछ दिक्कत करेंगे, और WTO के बनने के बाद से तो हो ही गया कि सबको एक साथ लेकर के काम करना है. ये आपको मैंने ऑलरेडी WTO में पढ़ाया था, तो इस पर टाइम वेस्ट नहीं करते. आगे बात करते हैं इंटीग्रेशन एफर्ट्स इन यूरोप. तो सिंगल मार्केट एक्ट, इट वॉज साइंड इन 1986 amending the Treaty of Rome. The objective of this to remove all remaining barriers to free flow of goods. So, वो कह रहे कि 1986 में ट्रीटी ऑफ रोम को साइन किया गया, ऑब्जेक्टिव था कि जो बचे कुछ भी बैरियर्स हैं उन सबको खत्म कर देना, ठीक है, टू फ्री फ्लो ऑफ गुड्स सर्विसेज एंड रिसोर्सेज टू क्रिएट अ फुली इंटीग्रेटेड सिंगल मार्केट by the end of 1982. This act simplified administrative procedures. सबसे administrative procedure. इसका मतलब क्या होता है कि जो भी जब तुम लाइसेंस वगैरह अप्लाई करते हो ट्रेड वगैरह करने के लिए जो प्रोसीजर होते हैं इनको सिंप्लीफाई करना. Where most of the single market legislation needed only a weighted majority rather than unanimity. वो कह रहे हैं कि यहाँ पे मेनली क्या देखा जाएगा कि एक वेटेड मेजोरिटी के बेसिस पर डिसीजन लिए जाएंगे रेदर देन कि कोई एक दो कंट्री मिले. वेटेड क्या होता है कि मतलब जिसका ट्रेड पार्टनर मतलब ट्रेड के अंदर कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, राइट. सो द सिंगल मार्केट इटसेल्फ वाज टू बी क्रिएटेड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ डायरेक्टिव्स व्हिच आर ड्राफ्टेड बाय द यूरोपियन कमीशन. द ईयू सिविल सर्विस ओके. आगे दीज बिकम कम्युनिटी लॉ आफ्टर they have been adopted by the European Council, a committee of the heads of the state or other ministers of member states. They then have to be ratified in the law of each member state. Once in force, those have precedence over the domestic laws of member states if there is a conflict. Okay, some border checks have also been removed among member countries. So, इस तरीके से इसको single market act के तौर पे लाया गया. Next है सिंगल मार्केट इन फाइनेंशियल मार्केट गेन फ्रॉम द सिंगल मार्केट प्रोग्राम. ऑल्दो द ट्रीटी ऑफ रोम कॉल्ड फॉर द फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल एज वेल एज गुड्स, दिस वॉज इग्नोर्ड अंटिल द 1980s. वो कह रहे हैं कि जो ट्रीटी ऑफ रोम हुई उसके अंदर कहीं ना कहीं सर्विसेज और कैपिटल सारी बातें हुई थी, लेकिन 1980s के मिड तक ये चीज इग्नोर रही. मोस्ट मेंबर कंट्रीज हैड एक्सचेंज कंट्रोल्स ऑन कैपिटल मूवमेंट्स, रिस्ट्रिक्टिंग रेजिडेंट्स ऑफ ईच कंट्री from investing in any other current country. तो वो कह रहे कि इसमें हुआ क्या, इसमें हुआ ये कि भाई आपको क्या करना पड़ा, investing in other country. Capital liberalization directive abolished, cost by June 1990. All except Greece fully abolished their controls by the end of 1992. Greece abolished most of its controls by 1994. The introduction of euro in 1999 added further impetus to the globalization. तो बता रहे कि किस तरीके से धीरे धीरे करके उन्होंने अपनी अपनी करेंसीज को हटाया, जिससे कि फाइनली क्या हुआ, फाइनली जो यूरो है वो 1991 तक सारे के सारे कंट्रीज में एक्सेप्ट हो गया. आगे दिस म्यूचुअल रिकॉग्निशन
of regulators has been wrongly interpreted as permitting financial services firms trade anywhere in based on their home country's rules. Simply means that a firm can be authorized to trade throughout the union by the home regulator, but the trade itself must obey the local laws of the country concerned. तो कह रहा है यहाँ पे थोड़ा सा जो interpretation हुआ उसका ये दिक्कत आया कि आप क्योंकि EU के part है तो कहीं भी trade कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, आप trade कहीं भी कर सकते हो EU की मदद से, लेकिन आपको उनके जो local laws होंगे उनको समझना पड़ेगा, उनको बिना समझे आप trade नहीं कर सकते. According to Richard Baldwin, the process of reducing trade barriers is politically torturous. In the long run, it would lead to considerable increase in economic efficiency and GDP of the countries. यहाँ तक अगर पढ़ो और मुझे दो मिनट दो बस.